चैप्टर नंबर 15 के टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। कुछ एमसीक्यूज आप तमाम लोगों को नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यू देखिएगा, फर्स्ट एमसीक्यू आप तमाम लोग की स्क्रीन के ऊपर है। इस एमसीक्यू का जवाब क्या हो सकता है, तमाम लोग जरा सोचिए। एमसीक्यू नंबर 1 आप तमाम लोग अगर देखो, एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे क्या बोला गया, एमसीक्यू नंबर 1 जल्दी से देखते हैं हम लोग। एमसीक्यू नंबर 1 में बोला गैल्वानोमीटर इज एन, यानी गैल्वानोमीटर की आपसे बात करी, गैल्वानोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकली डिवाइस, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकली डिवाइस है। अच्छा, एक काम क्या करती है, इट कन्वर्ट्स वॉट। तो देखो गैल्वानोमीटर जो काम करती है ना, वो काम ये करती है कि भाई अगर आप उसमें से करंट पास करते हो, तो करंट पास करने की वजह से वो जो चीज प्रोड्यूस करती है वो है आपके पास डिफ्लेक्शन, यानी इसमें से अगर आप करंट पास करोगे तो वो आपको डिफ्लेक्शन देगी। अब देखो एक लफ्ज उसने खुद आपको बता दिया कि भाई इलेक्ट्रोमैकेनिकली डिवाइस है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो वो यूज करेगी, यानी उसमें से अगर आप करंट पास करते हो ना, गैल्वानोमीटर में से अगर आप करंट पास करते हो तो वो मैग्नेट की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। होता क्या गैल्वानोमीटर के अंदर, चलो एक रफ डायग्राम मैं आपको बना के दिखा दूं, वरना आप लोग पे परेशान ही रहोगे कि सर बात समझ में नहीं आ रही आपकी। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ। बस कीजिए डायग्राम को और आसान। ओके, अब आप देखो होता क्या है, आप जो है ना अपने मैग्नेट, यानी आपके पास एक कॉइल होती है, इस मैग्नेट की इस कॉइल को आप प्लेस करते हो किसमें, नॉर्थ और साउथ यानी मैग्नेट के दरमियान प्रोड्यूस करते हो। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वायर बाउंड हुआ होता है, यानी वायर इस वजह से पास हो रहा होता है, इस तरीके से वायर जा रहा है, ये वायर इस वजह से पास हो रहा है। आप इस वायर में से जब करंट पास करते हो, आपने इसमें से करंट पास किया, तो कुछ अब इस वायर में से करंट पास करोगे तो आपको पता ना, जब भी किसी वायर में से अगर आप करंट पास करते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। अब आप देखो आपने इसमें से करंट पास किया, करंट अगर मैं लिखूं करंट, तो करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अच्छा, आपने क्योंकि इसको मैग्नेट के दरमियान रखा हुआ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो हो गई। पहली बात तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा, अब आप देखो आप इस, क्योंकि जब इसमें से करंट पास करते हो, इसमें डिफ्लेक्शन होती है, याद है ना आप लोगों को, डिफ्लेक्शन का मतलब है कि निडिल ऐसी डिफ्लेक्ट करेगी। आपके पास एक गैल्वानोमीटर है, ये निडिल नजर आ रही है, इसकी निडिल डिफ्लेक्ट करेगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी। ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन ये बता रहा है कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी आ गई, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जब होती है जब रोटेशन प्रोड्यूस हो, यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब होना चाहिए वो करेक्ट जवाब होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। जो ये सोच रहे थे कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल, तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी यूज करो, आपने मैग्नेट भी तो यूज किया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद अगला एमसीक्यू आप तमाम लोगों को नजर आ रहा होगा, ये है मेरे पास मौजूद एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं, उसने आपसे बोला सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय डैश, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो आप लोग को इस लेक्चर के स्टार्ट में सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का फॉर्मूला बताया था, शायद आप लोग को याद हो, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको बताया था, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू बेन ओवर सी, यानी आपको अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, जबकि जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नजर आ रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी होना तो इसका ऑप्शन ए आंसर चाहिए था, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ कॉइल, और सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाना है, और कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन वायर, यानी आपको आपको जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है उसको डिक्रीज भी करना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, यानी इसका मतलब जो उसका करेक्ट जवाब होना चाहिए वो करेक्ट जवाब होना चाहिए आपके पास क्या, ऑल ऑफ दीज, यानी एमसीक्यू नंबर 2 का जो जवाब है वो करेक्ट जवाब है आपके पास ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यू आपको नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 क्या है, एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे बोला गया इन ऑर्डर टू मेजर करंट विद द मैक्सिमम एक्यूरेसी द रेजिस्टेंस ऑफ द एम मीटर मस्ट बी डैश।
अब आप देखो एमीटर की जो रेजिस्टेंस है, याद है ना, एमीटर बनाने के लिए आप क्या करते हो, एमीटर बनाने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो याद होगा, एमीटर बनाने के लिए आप, चलो लिख के भी दिखाते हैं आपको इसकी थ्योरी। एमीटर बनाने के लिए जो आप रेजिस्टेंस यूज करते हो, वो रेजिस्टेंस यूज करते हो लो रेजिस्टेंस, जिसको आपने नाम रखा था ना सर, उसको आप बोलते हो शंट रेजिस्टेंस। देखो अब इसका जवाब आप देखो, खुद आपके पास जवाब इसका मिल गया कि सर आप शंट रेजिस्टेंस में आप यूज करते हैं। शंट रेजिस्टेंस का मतलब आपको मैंने बताया था सर, पैरेलल रेजिस्टेंस होती है और इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, यानी आपको जितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उतनी ही कम होनी चाहिए, यानी जितनी ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए किसकी, एम मीटर की, यानी एम मीटर की आपको जितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए उतनी ही ज्यादा आपके, उतनी ही कम इसकी क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो बड़ा आसान सा सवाल था एमसीक्यू नंबर थ्री। एमसीक्यू नंबर थ्री के बाद बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर फोर की तरफ। एमसीक्यू नंबर फोर पढ़िएगा तमाम लोग। ओके, अब देखो ये उस न्यूमेरिकल का बिल्कुल अपोजिट है, यानी जो न्यूमेरिकल नंबर थ्री था उसी का बिल्कुल अपोजिट है न्यूमेरिकल नंबर फोर। न्यूमेरिकल नंबर फोर में आपसे बोला गया टू इंक्रीज द मेजरिंग रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। अब देखो वोल्ट मीटर की अगर आपको रेंज बढ़ानी है, यानी वोल्ट मीटर की रेंज आपको अगर ज्यादा चाहिए, ये रहा इंक्रीजिंग द रेंज, यानी अगर आपको रेंज को इंक्रीज करना है तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए सीरीज रेजिस्टेंस की, क्योंकि तो आपको याद होगा वोल्ट मीटर के लिए आपको याद होगा वोल्ट मीटर के लिए जो आप रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हो वो रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हो हाई रेजिस्टेंस, यानी जितनी ज्यादा आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एक्यूरेट कंसिडर किया जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू है वो शुड बी इंक्रीज, यानी जितनी ज्यादा वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस आप लगाओगे उतनी ज्यादा उसकी जो रेंज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एमसीक्यू नंबर फोर के बाद एमसीक्यू नंबर फाइव आपके पास। एमसीक्यू नंबर फाइव में आपसे बोला गया द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी आपसे बोल रहा है बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आपके पास एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो मैंने आपको बताया था अभी जब लेक्चर हमारा इससे पिछला वाला लेक्चर था जिसमें हम चैप्टर 15 की थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी थ्योरी में बताया था भाई सबसे जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर आप इस्तेमाल करते हो वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ये बात तो आप तमाम लोगों को पता है। पोटेंशियोमीटर को आप यूज करते हो ये ज्यादा एक्यूरेट है वोल्टमीटर के बारे मुकाबले में, ये आपको मैं चैप्टर 15 की थ्योरी में बता चुका हूँ। एमसीक्यू नंबर 5 के बारे में तमाम लोग देखिएगा एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 का जवाब क्या हो सकता है, एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे बोला गया भाई सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय डैश, तो वही फॉर्मूला है वही जो सेंसिटिविटी का सवाल आया था, बस थोड़ी सी चेंज मैंने करी है। वहां आपके पास ऑप्शन ऑल ऑफ दीस था, यहाँ ऑप्शन आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ ऑल ऑफ दीस आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्या हो सकता है जरा देखते हैं। देखो तो सेंसिटिविटी का आपको शायद फॉर्मूला याद हो, सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो फॉर्मूला है एन ओवर सी, ये आपके पास फॉर्मूला है। अच्छा अब क्या क्या इंक्रीज करना होता है आपको याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना होता है, एरिया को इंक्रीज करना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना होता है, जबकि डिक्रीज करना होता है किसको, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिक्रीज करना होता है। अब आप इसमें से फैसला कर लो, ऑप्शन नंबर ए देखो डिक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि एरिया ऑफ कॉइल को तो बढ़ाना है, नंबर ऑफ टर्न्स को भी नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को कम थोड़ी करना होता है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को बढ़ाना होता है मैग्नेटिक फील्ड को भी और एरिया को भी। तीसरा जो ऑप्शन दिया वो क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ, यानी जो करेक्ट जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यानी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो कुछ थ्योरी के सवाल थे, जो थ्योरी के सवाल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। इसके बाद आप अगला सवाल देख रहे हो एमसीक्यू नंबर 7, ये एक न्यूमेरिकल
की टाइप का सवाल है, न्यूमेरिकल की सूरत में हम इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से इस सवाल को तमाम लोग देखिएगा और इसका करेक्ट जवाब लगाने की कोशिश करते हैं, इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे बोला गया, एमसीक्यू नंबर 7 देखते हैं, सॉल्व करके कोशिश करते हैं इसके जवाब क्या आना चाहिए। सवाल में आपसे बोला गया द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम, यानी आपको सबसे पहले जो चीज दे रहा है वो रेजिस्टेंस दे रहा है गैल्वेनोमीटर की, जिसको आपने लिखा सर हमें दे रहा है आर जी, आर जी की वैल्यू हमें दे रहा है कितनी 25 ओम, क्योंकि उसको बोला ना रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हैविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 mA, 10 mA करंट दे रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी ये आपको वैल्यू दे रहा है आई जी की। याद रखो जब भी वो बात करेगा ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन की, इसकी आपसे बात करे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब समझ जाना वो आपको आई जी गिविन कर रहा है, और अगर वोल्टेज देगा तो वी जी गिविन कर रहा होगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जहां भी बात करे आप समझ जाना आई जी दे रहा है, आई जी की उसने वैल्यू दी 10 mA, ये उसने वैल्यू आपको दी। अब देखो मिली हटाने के आपने लिखा 10 की पावर -3 और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एम्पियर में। अच्छा जी, अच्छा अब आपको रेंज दे रहा है, रेंज दे रहा है वोल्टमीटर की 100 वोल्ट, तो याद रखो रेंज का मतलब है यहाँ पे आपको कैपिटल वी गिवन कर रहा है, कैपिटल वी की वैल्यू है 100 वोल्ट, और आपसे बोल रहा है कि वो रेजिस्टेंस बताओ जो आपको गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो, मतलब आर निकाल के दिखा दो। अब देखो आपने क्योंकि रेंज आपको बताई गई 100 वोल्ट, यानी और आपको बनाना क्या है वोल्टमीटर। देखो आप लोगों को वोल्टमीटर का फॉर्मूला याद है ना, वोल्टमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टमीटर का फॉर्मूला होता है आर एच इज इक्वल टू वी अपॉन IG - RG। सवाल में जो चीज आपको सीखनी है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल में आपको डाटा भी बनाना, डाटा बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, डाटा बनाना भी आप तमाम लोगों को आगे होगा, डाटा में कोई मुश्किल बात नहीं। कैलकुलेशन हम करना सीखते हैं, कैलकुलेशन जरा देखिएगा। सबसे पहले देखो आपको V नजर आ रहा है, तो V की जगह पे तो आपने रख दिया 100 / IG, तो IG की जगह पे आप बोलेंगे सर आ जाएगा 10 की पावर -3 माइनस, और बराबर में लिखा हुआ है आरजी, तो आरजी की जगह पे आ जाएगा कौन 25। अब देखो 10 की पावर -3 को आप ऊपर लेकर आ गए तो ये हो जाएगा सर 100/10 और ऊपर हो जाएगा 10 की पावर +3 और बराबर में लिखा हुआ है आपके पास कौन, बराबर में आपके पास लिखा हुआ है माइनस का 25। अब देखो 10 से यानी ये 10 से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, तो बन गया मेरे पास कौन 10 की पावर 3, यानी 10 × 10 की पावर 3 माइनस का 5। अब देखो 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 जीरो, यानी 10 पहले से लिखा हुआ था, आपने 3 जीरो का इजाफा कर दिया, फर्स्ट यानी 10 लिखा हुआ था उसके बाद 3 जीरो का इजाफा किया, बराबर में लिखा हुआ है माइनस का 25। अब आप देखो आपको क्योंकि माइनस करना है, माइनस किसको करना है, तो माइनस करने के लिए नंबर भी लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, 10,000 में से अगर 25 को माइनस करोगे तो मेरे ख्याल में इससे आसान कैलकुलेशन कोई नहीं होगी आपके पास। आप अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपके पास इसका जो जवाब बनेगा वो जवाब आ जाएगा, जवाब मैं आपको बताऊं, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 9975, और आपने क्योंकि रेजिस्टेंस निकाली है हाई रेजिस्टेंस, तो ये आरएच का आंसर, और ये हो जाएगा आंसर किसके अंदर ओम्स में, यानी जिस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब होगा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो पहले तो इसको जगह यहाँ पे क्लियर करें हम। MCU का जो करेक्ट जवाब आ रहा है वो 9975। MCU नंबर 8 को देखते हैं, MCU नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया, MCU नंबर 8 में आपसे बोला गया भाई व्हाट शंट रेजिस्टेंस, व्हाट शंट रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई RS की वैल्यू बता दो, यानी शंट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, मतलब RS बता दो। कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस, देखो सबसे पहले उसने आपको रेजिस्टेंस दे दी गैल्वेनोमीटर की, मतलब आर जी दे दिया और आर जी की वैल्यू आपको बता रहा है 50 ओम्स। अच्छा विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अभी भी बताया ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब आपको आई जी गिविन करेगा, तो आई जी आपको दे दिया कितना ओम, आई जी सॉरी आई जी आपको दे दिया कितना एम्पियर, तो आप बोले सर आई जी हमें मिल गया कितना 2 एम्पियर। फिर उसने बोला सो एज टू कन्वर्ट इन टू एन एमीटर ऑफ 10 एम्पियर रेंज, 10 एम्पियर रेंज का मतलब ये आपको आई गिविन कर रहा है, तो देखो आपको मिल गया आई की वैल्यू, आई का आंसर आ गया 10 एम्पियर, और आपसे जो चीज मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, आर एस मांग रहा है। अब देखो कैलकुलेशन आप करोगे आर एस अगर आपको चाहिए तो आर एस के लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, आप तमाम लोग को फॉर्मूला याद है आर एस का, फॉर्मूला मेरे पास आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, वैल्यूज को पुट करो, देखो आप आई जी की जगह पे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर आई जी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2, आर जी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 50 डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, तो नीचे हो जाएगा 10 माइनस 2।
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 100, नीचे माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा 8। अब आप 2 से डिवाइड करते रहो, ये देखो 250 जा 100, 24 जा 8, फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, 22 जा 4 और ऊपर हो जाएगा 25, फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, 21 जा 2 और ये हो जाएगा सर मेरे पास 25 का हाफ होता है 12.5, यानी जो करेक्ट जवाब हो गया मेरे पास वो कितना हो गया 12.5 ओम, यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद तमाम लोग अब देखिएगा एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सवाल में आपसे बोला गया इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, आपको रेजिस्टेंस बताई गई गैल्वेनोमीटर की 50 ओम, यानी आपको जो चीज दे रहा है वो रेजिस्टेंस दे रहा है गैल्वेनोमीटर की, यानी आरजी आपको दे रहा है कितना 50 ओम, मैंने आरजी लिख दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हैविंग 5000 ओम सीरीज रेजिस्टेंस, अच्छा सीरीज रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू बता रहा है कि भाई द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हैविंग 5000 रेजिस्टेंस विल बी डैश, यानी आपको रेजिस्टेंस यहां पे प्रोवाइड कर रहा है हाई रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है 5000 ओम। अब देखो दोनों रेजिस्टेंस आपसे बोल दी कि दोनों रेजिस्टेंस हो गई, अब सीरीज रेजिस्टेंस विल बी डैश, यानी कंबाइन करके रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आपको याद है ना क्योंकि वोल्टमीटर बनाने के लिए दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो, सीरीज में कनेक्ट करने का तरीका होता है दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे, यानी आर इज इक्वल टू आर जी प्लस आर एच, आपने दोनों को ऐड कर दिया, ये हो जाएगा सर आर जी की वैल्यू है 50, आर एच की वैल्यू है 5000, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा 5050 और आगे लिख दोगे आप क्या ओम, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा ही सिंपल था सवाल था। लास्ट सवाल अब मेरे पास है, लास्ट सवाल जल्दी से हम सॉल्व करें, एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे बोला गया था रेजिस्टेंस इन द 3 सक्सेसिव आर्म्स ऑफ द बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज इज 5, 10 एंड 15, और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर्थ आर्म। अब देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस को हम बोलते थे सर आर वन, और आर वन की वैल्यू को हम बोलते थे कितना ओम 5 ओम, सही। दूसरा वाला लिखा हुआ है आर टू, तो आर टू को बोलते थे कितना ओम 10 ओम, आर थ्री को हम बोलते थे कितना ओम 15 ओम, और चौथा हमें चाहिए यानी हमें क्या निकाल के दिखाना है आर फोर निकाल के दिखाना है। अब देखो आप लोग को फॉर्मूला तो याद है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर, वैल्यू इसको पुट कर दो आप, आर वन की जगह पे आ जाएगा 5, आर टू की जगह पे आ जाएगा 10, आर थ्री की जगह पे आ जाएगा 15 और आर फोर हमें चाहिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये वहां चला गया, ये यहाँ पर आ गया, या फिर आप पहले इसको डिवाइड कर दो और आसान हो जाएगा आपके लिए, देखो 5 1 5 5 2 10, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सर आर फोर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आंसर हो जाएगा आपके पास कितना ओम 30 ओम, तो ये करेक्ट जवाब हो गया आपके पास क्या 30 ओम इसका करेक्ट जवाब एमसीक्यू नंबर 10। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 की थ्योरी को भी सॉल्व किया, एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया, उम्मीद यही है कि अब तमाम लोग को चैप्टर नंबर 15 का टेस्ट भी समझ में आ गया होगा, तमाम लोग प्रैक्टिस की जरूर कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 15 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ।